अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ नाश्ता और अपने व्लॉग का स्टार्ट भी मैं नाश्ते से कर रही हूँ। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी। हस्बैंड को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, वो ऑफिस चले गए थे। तो मैं आज आपके साथ अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सारे दिन में क्या खा रही हूँ। और ये जो सारी डाइट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये क्यों मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे 5 से 7 साल हो गए, मैं ऑन एंड ऑफ अपनी डाइट करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरा वज़न बढ़ गया है तो फिर मैं उसको कम करने के लिए डाइट स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं 3 से 4 माह में अपना वेट जो है, जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है, मैं वो अचीव कर लेती हूँ। और मुझे पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि मैंने शादी से पहले तकरीबन 3 से 4 माह जिम भी किया है और उनकी डाइट भी ली है। तो ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, के टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत सुस्ती होती है और मैं बहुत सुस्त हूँ, इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी तरह सुस्त हैं वो भी डीमोटिवेट ना हो, वो भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं, आपको अपने मुंह पे थोड़ी सी जिप लगानी होती है जिसको आप हर वक्त नहीं खुला छोड़ सकते। तो बस मैंने अपना नाश्ता बना लिया था। मैंने नाश्ते का तो आपको अपडेट किया ही नहीं, मैं अपनी बातों में ही लग गई। तो बस मैंने नाश्ता बना लिया था, सैंडविच मैंने उसके अंदर सॉस लगा ली थी थोड़ी सी, केचप और मायनीज़, उसके बाद जो मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी। बस नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे जो है वो यखनी पुलाव खाना है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बना देती हूँ। और यहाँ पर जी मैं मटन पुलाव बना रही थी आज। तो बस मैंने इसकी कोई रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की, क्योंकि ये तो सबको ही आता है यार, मैं इसकी क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करूं अब। लेकिन मैंने इसका क्लिप बना लिया था, क्योंकि मैंने कहा था मैं अपने व्लॉग में ऐड कर लूँगी, क्योंकि हम ब्लॉगर्स को अपने व्लॉग में ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए होता है। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मटन को भून रही हूँ, भूनना अपने अच्छी तरह से है। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, फिर चावल डाल दूँगी, बस फिर हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो चुके हैं और इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत यमी चावल बने थे। वैसे भी मटन पुलाव हो या बीफ पुलाव हो, ये वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। तो उसके बाद जी ये है मेरा लंच। और ये जो वेजिटेबल जो मैंने सुबह कट की थी सैंडविचेस के लिए, बस वही मैंने चना में ऐड कर दिए हैं। तो ये मेरा चना चाट बन गया है और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया था बस। तो ये मैं खा लूँगी और ये मेरा लंच हो जाएगा। उसके बाद जी और यहाँ पर जी है स्नैक टाइम, और मैंने 2 बिस्किट ले लिए थे, तो बस तीसरा मुझसे नहीं खाया गया था और ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं वैसे। तो बस ये मैंने खा लिए थे और मैंने 2 ही खाए थे, 1 फिर मुझसे नहीं खाया गया, जो तीसरा था वो मुझसे नहीं खाया गया। और ये है जी मेरा डिनर। और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप वेट लॉस कर रहे हो आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोर्शन कंट्रोल में। 12 चम्मच मैंने गिन के जो है वो राइस के लिए थे, इससे ऊपर आपने नहीं लेने एक टाइम पर, एक सर्विंग पर। और 12 चम्मच जो है वो चावल डालने वाले नहीं, टेबलस्पून 12 चम्मच, ये आप याद रखिएगा। ये ना समझिएगा कि 12 चम्मच जो है वो मैंने जिससे हम चावल डालते हैं प्लेट में वो लिए हैं, वो तो फिर पता नहीं कोई बड़ी ट्रे बन जाएगी। जो छोटे टेबलस्पून होते हैं वो लेने हैं आपने 12 चम्मच, और वो हाफ प्लेट से भी कम बनते हैं, तो बस आपने वही डिनर में लेने हैं। उसके बाद जी हम आ गए थे बाज़ार, और यहाँ पर मैं आई हुई थी बुनंजा सतरंगी पर, और यहाँ पर बहुत मज़े की सेल लगी हुई थी। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल कपड़े नहीं लेने थे, क्योंकि कि मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हो गए हैं। और बस फिर मैं ड्रेसेस ले जब लेती हूँ तो फिर लेती जाती हूँ, और फिर मुझे इधर उधर की चीज़ें लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोच कर आई थी कि मुझे चाहे जो जितना मर्ज़ी ड्रेस पसंद आ जाए मैंने नहीं लेना आज, क्योंकि मैंने और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी आज। तो जी सबसे पहले मैंने लेना था आज परफ्यूम, और यहाँ पे मैं देख रही थी और मुझे ये एक ग्रीन वाला और ऑफ वाइट और रेड कलर वाला इतना पसंद आ रहा था, बस मैंने बहुत मुश्किल से अपने पे कंट्रोल किया और इसको नहीं लिया। और बस मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि अब चलो यहाँ से वरना तुमने ले लेना है, लेकिन बस मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया कि नहीं आज मैंने कोई सूट नहीं लेना। तो फिर मैं आ गई थी परफ्यूम वाले सेक्शन में, और मुझे एक इनकी परफ्यूम अच्छी लगी थी, फ्रेगनेंस उसकी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फिर मैंने कहा एक दो और स्टोर विज़िट कर लेती हूँ, क्या पता मुझे और इससे भी अच्छी मिल जाए। तो बस इसके बाद फिर हम गए थे जे डॉट, और जे डॉट के बाद हम गए खाड़ी, और ये तकरीबन 9:30 का टाइम था, 9:45 हो रही थी तकरीबन, बस 15-20 मिनट रहते थे स्टोर बंद होने में। और बस हम जल्दी कर रहे थे कि हमें कोई पसंद आए और हम फटाफट से ले लें, ये ना हो कि पहले स्टोर सारे बंद हो जाएं।
तो जे डॉट पे जो है इनकी फ्रेगनेंस काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग लगी, मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बहुत लाइट सी और बहुत धीमी धीमी सी, मध्यम मध्यम सी जैसी होती है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे वैसी पसंद है। और मुझे फ्रेगनेंस को एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस मुझे, मैं जब खाड़ी पर आई तो उन्होंने स्टोर बस वो अपना बंद कर रहे थे, उन्होंने कहा था बस आपके पास 5 मिनट हैं, जिसने जो चीज़ ले ली है वो काउंटर पे आके बिल करवा लें। बस फिर हमने कहा कि अब यहाँ से लेने की करें, वरना ये ना हो कि आगे भी सारे स्टोर बंद हो जाए और ये भी बंद हो जाए। तो बस फिर मैंने एक ले ली थी, और उसके बाद जी मैं आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, और भी मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और बहुत अच्छी और रीज़नेबल मुझे मिल गई हैं सेल पे। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे आ गए थे रशीद कॉर्नर, जो मुल्तान का बहुत फेमस है, सबको ही पता होगा, जो जो लोग मुल्तान में रहते हैं। तो मैंने हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाई थी आइसक्रीम, और मैंने यहाँ पे मंगवाया था अपने लिए ब्राउनी विद आइसक्रीम, और मुझे इसका टेस्ट बस ठीक लगा, अच्छा था, नॉट बैड। लेकिन जो चिल बार का टेस्ट है, ऑसम टेस्ट है उसका, अगर आपने नहीं टेस्ट किया, अगर आपने नहीं खाई ब्राउनी विद आइसक्रीम तो आप ज़रूर खाइएगा। हमने वहीं जाना था, हम वहीं गए थे, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने 2-4 चेयर्स रखी हैं वो फिल थी और बैठने की कोई जगह नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा उनका ब्रांड है लेकिन बैठने का उन्होंने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया हुआ, उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा इस तरह से नहीं बनाई हुई जगह कि जहाँ पर लेडीज़ या जेंट्स बैठ सकें या फैमिली बैठ सके। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने तो खाने ही खाने ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो हमने कहा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसका फ्लेवर भी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, बुरा नहीं था, इसको बुरा नहीं कह सकती, और वैसे भी खाने की चीज़ को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो फ्लेवर जो है वो इसका अच्छा था, नॉट बैड। लेकिन चिल बार का तो बहुत मज़े का होता है, बहुत फ्रेश होता है। तो यहाँ पर हमारी ब्राउनी विद आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी, और हस्बैंड ने अपनी आइसक्रीम भी खा ली थी, उन्होंने भी फिनिश कर ली थी। बस फिर हम अब घर चले जाएंगे, और मैं अब आपको अपनी सारी शॉपिंग जो है वो कल दिखाऊंगी, मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं और सेल से क्या क्या लिया है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।